हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का फेस है जो बहुत ही प्यारा है, इतना गोरा चेहरा है, हाथ भी आपके एकदम मुलायम है, गोरे हैं, बस एक जगह आप मार खा रहे हो और वो आपकी गर्दन है। आपको काफी लोग टोक चुके हैं कि यार तेरा मुंह भी गोरा है, तेरे हाथ पैर भी गोरे हैं, बस तेरी गर्दन ही काली है, या आपको अपनी गर्दन है जो गोरी करनी है अपने हाथ और पैरों की तरह। आप दोस्तों अपने फेस का तो ध्यान रखते ही हो, आप सोच रहे हो कि साथ साथ यार मैं अपनी गर्दन का भी ध्यान रखूं। आज आपकी इस प्रॉब्लम का मैं अपनी इस वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको अपनी गर्दन गोरी करनी है, बिल्कुल आपके फेस की तरह आपकी गर्दन भी बिल्कुल गोरी हो जाएगी। जो आपकी गर्दन पे रात आई हुई है वो दिन में बदल जाएगी और आपके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को जम के करिएगा शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देख करके लाइक करें। ये आपका और मेरा दोनों का वादा है एक दूसरे से कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा और आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहोगे। तो दोस्तों चलिए अब आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी गर्दन है वो काली किस वजह से हो जाती है, वो भी आपका एक बॉडी पार्ट की तरह है, आपके फेस की और आपके हाथ पैर की स्किन की तरह ही है, लेकिन वो हमसे छूट इसलिए जाती है क्योंकि जब हम सर में तेल लगाते हैं वो सर से तेल थोड़ा सा उतर के हमारे जो गर्दन के पास आ जाता है। और जितना आप अपना फेस का ध्यान रखते हो दोस्तों, ये 100% मैं आपसे कह सकता हूं, आप उतना अपनी गर्दन का ध्यान नहीं रखते हो। आप अपने फेस के लिए कितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हो लेकिन आप अपनी गर्दन के लिए इतनी सब चीजें यूज नहीं करते हो। और क्यों करें? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये दोस्तों तो बात सेट होती है कि अगर आपको कोई देखता है या आपकी कोई तारीफ करेगा तो वो आपके फेस को देख के करेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आपके कोई फेस पे देख सकता है तो वो आपकी गर्दन पे भी देख सकता है। आपको अपनी गर्दन भी गोरी रखनी है तो उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एक नरम कपड़ा ले लेना है और उसे गर्म पानी में भिगो देना है। आप उसे थोड़ी देर तक गर्म पानी में भिगो के रखे, उसके बाद उसे अच्छे से निचोड़ ले। निचोड़ने के बाद में दोस्तों आप उसे अपनी ना गर्दन के ऊपर रख ले और वो तब रखना दोस्तों जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, कभी ज्यादा गर्म हो और अपनी गर्दन पे रख लो। आप उसके बाद अपनी गर्दन पे उसे 5 मिनट तक रखना और 5 मिनट के बाद जब आप उसे हटाओगे तब आप वहां पर देखोगे जो आपकी गर्दन का मैल है उसकी पापड़ी सी जम गई होगी, वो एकदम दरार टाइप जिसे कहते हैं उस तरह से बन गया होगा, वो मुलायम हो चुका है और वो इजिली है जो उतर सकता है। लेकिन उसको उतारने से पहले भी हमें एक छोटा सा स्टेप और करना है जो सबसे मेन है। 2-3 चीजें बताऊंगा आपको, उसे मिक्स करके 10 मिनट तक अपनी गर्दन पे मसाज करें। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 चम्मच लेना है बेकिंग सोडा, उसके साथ आपको लेना है 1 चम्मच सॉल्ट और साथ में लेना है आपको नारियल का तेल। इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपको अपनी गर्दन पे मसाज करनी है, वो भी 10 मिनट तक। ये दोस्तों मसाज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो आपकी जो पापड़ी जम गई है ये फूल जाए, जो आपका मैल है ये एक जगह इकट्ठा हो जाए। लेकिन उससे पहले भी हमें एक तीसरा स्टेप हमें हमारा करना है जो कि हमारी गर्दन को गोरी करेगा, वो मैल को अपने आप अच्छे से निकाल देगा और आपको गोरा रंग देगा। तो वो तीसरा स्टेप दोस्तों आपका ये है, आपको चाहिए होगा उसमें 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच नींबू का रस और 1/2 कप आपको चाहिए है दूध। इन सभी चीजों को मिला करके आप एक पेस्ट को तैयार कर ले, उसके बाद आप अपनी गर्दन पे इसे 15 मिनट तक अप्लाई करें। उसके बाद आपको किसी भी साधारण पानी से उसे धो लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों एक जादू दिखेगा और वो जादू ये होगा कि आपकी काली गर्दन गोरी हो जाएगी। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों, आपकी पहले जो गर्दन थी वो और अब की जो गर्दन है आप में, उसमें कितना फर्क आ गया। मैं आपको दोस्तों ये तो नहीं कहूंगा कि उसमें जमीन और आसमान का फर्क आ गया, लेकिन उसमें मैं आपको ये जरूर कहूंगा दिन और रात का फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी अगर कोई और प्रॉब्लम है आप मुझे नीचे कमेंट में नहीं बता सकते हो तो मैं आपको अपनी फेसबुक की और इंस्टा की आईडी मेंशन कर देता हूं, आप मुझे वहां जाके भी फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।